अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। माशरे की खामियों को, सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं रसूल भी बेगम, ये ज़मीन 200 गज मैं 2007 में ली थी। ये 150 गज पे कब्जा कर लिए। हम लोग 15 साल से आ रहे जा रहे थे यहाँ पे। फिर अब एक महीने पहले जब बाउंड्री उठाने बोल के लिए आए तो हमारी है ये यहाँ पे नहीं आना हुए बोल के बोले ऐसा दो तीन लोग। यहाँ से ये 50 गज छोड़ दे के 150 गज पे ऐसा कब्जा कर लिए। ये ज़मीन भी आपकी है? जी हाँ, यहाँ से पूरी वहाँ तक ये 50 गज छोड़ दिए, 150 गज वहाँ तक उस पर कब्जा कर लिए। कहाँ है ये ज़मीन? कोतापेट महमूद कॉलोनी। और आप पुलिस से अप्रोच हुए थे? जी हाँ। क्या बोले पुलिस से, आपको कुछ मदद मिली? जी नहीं, कंप्लेंट कराए अब आ जाओ कल ऐसा बिठा के इन लोगों को भी बुलाते बोल के नहीं बुला रहे, कुछ रिस्पांस भी नहीं दे रहे। आज भी सुबह 11 बजे से बुला के अब 4 बजने आ रहे, अभी तक कोई नहीं आए। ठीक है, आपका सर्वे नंबर क्या है? 57। प्लॉट नंबर 56। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि, मैं रसूल भी हूँ, काले पत्थर की रहने वाली। और महमूद कॉलोनी में मेरा फ्लैट है 200 गज का, वहाँ पर दूसरे लोग आके कब्जा कर लिए। महमूद कॉलोनी अपने बारकस के बालापुर पीएस लगता, उसको बालापुर पीएस लगता। और जो है सके दूसरे लोग आके 2 महीने से कब्जा करे हुए है। हम लोग 2007 में ली मई हो, अब हम लोग लिए बोल के उन लोग आके हम लोगों को यानी आना यहाँ से चले जाना ऐसा बोल के बोले, तो हम लोग बालापुर पीएस को आए। हम आप किससे लिए है और कौन नहीं आना बोले? हम लोग वलियुद्दीन भाई से लिए। कब लिए थे? 2007 में। तो जब से अब तक कंस्ट्रक्शन करे? नहीं नहीं करे, आ रहे जा रहे थे, बच्चे भी आ रहे थे, हम लोग हम भी आ रहे जा रहे थे। तो आपको कब से कौन नहीं आना बोले वहाँ पे? वो अशोक है, उन लोग हम लोग बच्चे को लेके आए हम लोग बनाने के वास्ते, बाउंड्री उठाएंगे बोल के आए, तो नहीं यहाँ पर नहीं आना, तुम्हारी नहीं होती यहाँ पर, और दोबारा यहाँ कदम भी नहीं रखना अब आए आगे बार फिर नहीं आना बोल के ऐसा बोले। तो हम फिर ठीक है बोल के हम लोग घर को चले गए। दूसरे दिन आए तो फिर आने नहीं दिए, बच्चे के ऊपर भी आके जल्दी जल्दी से आके थोड़ी देर अच्छी बात करे, उसके बाद दूसरे को उनके आने से क्या करे, अरे तुरे से भी ज़्यादा जबान इस्तेमाल कर रहे थे। अब हम लोग बोले आप बात सीधी करो, हम लोगों को ऐसी बात करना नहीं, हम लोग तो सही कर रहे हैं, आप भी सही करके बात करो। तो आप बोले तो नहीं आप जो दिलाए ना उनके पास जाके बात करो, जाए या नहीं करना बात बोल के ऐसा बोल रहे थे हम लोग। जिससे आप लिए वो कहाँ पे रहते? बोलिए दिन भाई कहाँ रहते थे वो तो पता नहीं है, अमजदुल्ला बाग में रहते हैं। तो अब वहाँ पर फिर हम लोग कमिश्नर ऑफिस को भी गए, और इससे पहले भी हम लोग यहाँ सबमिट करे थे, फिर कल भी जाके आए, और DCP ऑफिस को भी गए, और ACP ऑफिस को भी गए, फिर बालापुर PS को आए, फिर कल बुलाते ऐसा बोल के बोले। लेकिन अब सुबह आए हम लोग 11 बजे आके, अब क्या 4 बज रहे, फिर अब गए तो नहीं 4 बजे आओ बोल के बोल रहे, और कुछ भी हम लोगों को पूछ रहे नहीं। जमीन आप किसके नाम पे है? मेरे नाम पे है रसूल भी। तो रजिस्ट्रेशन लाने? हाँ हाँ, रजिस्ट्रेशन का है, सब पूरा कंप्लीट है भाई। हम लोग खुद लिए सो है, मैं खुद आके देख के पूरे फ्लैट देख के लिए सो है। 15 साल से आ रहे जा रहे पूरे बस्ती के आजू बाजू के भी लोगों तकरीबन लोगों से बैठ के बात करके भी गए हमारे घर वाले में आके। अब इन लोगों क्या है, नहीं होता तुम्हारा दूसरा कहाँ है कि जाओ, बोलिए दिन भाई कहना जाके बोलो जाओ, उनके घर के सामने जाके बोलो जाओ बोल के ऐसा बोल रहे थे। तो हम लोग वापिस चले गए, एक ही दिन में दीवार उठा दिए, जुम्मे को आए हफ्ते को एक दिन के इतवार के दिन ही दीवार उठा दिए। रक्षा कुंडा कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि ये ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाए। हमारी ये गुजारिश है कि उन लोगों से हमारी ये जो चीज़ है हम लोगों को दिला दीजिए। हम बहुत मेहनत से खरीदे सो है बच। हमें कुछ खास हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से, हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और No. 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बिकवेल के स्पेशल
दम के रोड। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोड तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री गुड़ केसर और दम के रोड अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर वन है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद आपके खुशियों का साथी। बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी एक्स रोड, हैदराबाद।